मराठवाड़ा देश का सबसे सूखा प्रभावित इलाका है। अब तक कोई भी सरकार मराठवाड़ा को सूखे की समस्या से अलग नहीं रख पाई है, उससे निजात नहीं दिला पाई है। ऐसे में मराठवाड़ा की उम्मीद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है और नरेंद्र मोदी की उम्मीद भगवान जगन्नाथ पर टिकी है। इन सब के बीच मराठवाड़ा के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सिंचाई के लिए पानी तो दूर की बात है, पीने का पानी भी मैसर नहीं है। साल में एक बार उस्मानाबाद इसी तरह जीता है, अकाल के बीच पानी के बिना। लेकिन इस साल सूखे की मार पहले से कहीं ज्यादा भयावह है। उस्मानाबाद शहर को तेरणा और रुईभर जलाशय से पानी मिलता है, लेकिन इन दोनों जलाशयों में सिर्फ 10% पानी ही बचा है। उस्मानाबाद जिले के 70 गांवों को अभी टैंकर से पानी मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि सरकारी टैंकर इनकी प्यास कम बुझाता है और इंतजार ज्यादा कराता है। सूखे की वजह से सब्जी मंडी की तबीयत भी नासाज है, प्याज आलू टमाटर की कीमत में आग लगी हुई है। उस्मानाबाद जिला परिसर में भारी बारिश होने की वजह से किसानों पे बहुत बड़ा असर हुआ है। छह लाख की आबादी वाले लातूर क्षेत्र का हाल भी उस्मानाबाद सरीखा है। लातूर में 12 दिनों में एक दिन पानी आता है। लातूर के लोगों को धने गांव डैम से पानी मिलता है, जबकि धने गांव डैम में अब 31 जुलाई तक का पानी ही बचा है। ऐसे में अगर बारिश नहीं हुई और सूखे का जाल और विकराल होता रहा तो फिर लातूर में पानी के लिए हाहाकार मचना तय है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए उस्मानाबाद से सुनील थेपे की रिपोर्ट। उम्मीद है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि किसानों की यह समस्या दूर हो सके, ताकि उन तक जल्द से जल्द पानी पहुंच सके। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। जहां सूखा सबसे बड़ा अभिशाप है, हालात इतने बुरे हैं कि लोगों को आधी से पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अगर मौसम का मिजाज ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के इस मराठवाड़ा क्षेत्र में सदी का सबसे बड़ा आकाल आ सकता है। वैसे तो पूरा देश सूखे की चपेट में आ सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके की हालत सबसे बुरी है। मराठवाड़ा में इस साल औसत से 75% कम बारिश हुई है, या देश के किसी भी हिस्से से कम बारिश मराठवाड़ा में दर्ज हुई है। 16 देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ घर घर में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है। सोलापुर के ज्यादातर गांव ऐसे हैं जहां 5 दिन में एक बार पानी आता है। यह हाल तब है जब उजनी डैम सूखा नहीं, उजनी डैम में पानी होने के बावजूद ऐसे हालात जनता की समझ से परे। दुष्काळाची परिस्थिती नाहीये, पण तरी 5 दिवसाआड पाणी मिळतंय, याचा अर्थ पाण्याचं नियोजन कुठेतरी नीट होत नाहीये, आणि त्यासाठी मी काही वॉर्डात मिळतंय काही वॉर्डात मिळत नाहीये, म्हणून ते नियोजन नीट व्हायला पाहिजे। सुशील कुमार शिंदे की बेटी है, विधायक है और सोलापुर महापालिका में कांग्रेस की सत्ता है, बावजूद इसके लोगों को पानी नहीं मिलता। सांगली जिले में अकाल का साया मंडरा रहा है। सांगली के 60 तालाबों में पानी नहीं है। बारिश न होने की वजह से सांगली में सिर्फ 13% पानी बचा है। 42,000 हेक्टेयर खेत सूखे की वजह से बिना फसल के हैं। अभी सांगली में जो अभी यहाँ खड़े हैं, ये कृष्णा नदी का पात्र है। 1972 से ये परिस्थिति थी, अभी उससे भी ज्यादा परिस्थिति भयानक होने वाली है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सांगली को पिछले 50 सालों में सबसे बड़े सूखे का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए सांगली से संजय देसाई और सोलापुर से सुनील ढेपे की रिपोर्ट।